बहुत अच्छा सा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। ये जीवन से संबंधित छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे जिंदगी में वस्तुएं महत्वपूर्ण होती हैं, घर महत्वपूर्ण होता है, परिवार महत्वपूर्ण होता है, ऐसे हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, अच्छे विचार हो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे विचारों से हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। हमारे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है, घर दिया, परिवार दिया, संसार दिया, कपड़े दिए विभिन्न प्रकार के पहनने के लिए, खाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए, घूमने के लिए कितने अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं किया है, चाहे रिक्शे से चलें, ऑटो से चलें, टैक्सी में चलें, कार में चलें, मोटर कार में चलें, चाहे हवाई जहाज में चलें, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, इसमें हम बहुत संपन्न हो गए हैं, लेकिन एक चीज में हम बहुत कमजोर हो गए हैं, विचारों में, क्योंकि हमारा जीवन विचारों से चलता है, वस्तुओं से नहीं चलता। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो घर परिवार बहुत अच्छा लगता है, ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, और हमारे विचार अगर दूषित हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। मूड फ्रेश है तो सब अच्छा, और मूड डिस्टर्ब है तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो मूड फ्रेश के लिए ये कार्यक्रम है। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, हमारे जीवन का उद्देश्य है मन की शांति, और शांति के लिए हम सोचते हैं धन इकट्ठा कर लें और अशांति हो जाती है बिना जानकारी के। तो जिसके कारण हम सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं, बदले में अशांति मिलती है। अब कैसे शांति मिले जरा सुनिए ध्यान से, बड़ा अच्छा लगेगा। परमात्मा ने जो भी दिया है बहुत अच्छा किया है, ये समझ, चाहे नमक रोटी खिलाए, चाहे छप्पन भोग खिलाए, चाहे राजा बनाए, चाहे भिखारी, ये उसकी व्यवस्था है। और जैसे घर की व्यवस्था में हम एडजस्ट होके चलते हैं, ऐसे भगवान की व्यवस्था सृष्टि में भी तालमेल बना के चलें। जैसे भी भगवान ने हमको रखा है, बड़ा प्यारा भजन है, ये गीत है, बचपन में सुना था, उसका मजा नहीं आया क्योंकि उसकी मीनिंग नहीं पता थी, उसकी भावना में नहीं आते थे, इसलिए आनंद नहीं मिला। अब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ रही है, गीतों की मीनिंग पता चलने लगी, उनकी भाव पता चलने लगे तो अच्छा लगता है, और जीवन में लगाने में भी आनंद आता है। कैसे ये गीत है, बड़ा प्यारा सा बचपन का गीत, इस उम्र में समझ में आया। जैसे सूर तुलसी कबीर के दोहे पढ़ते थे तो समझ में नहीं आते थे, लेकिन जब जिंदगी की हालातें आती हैं ना, तो वही सारे दोहे हमारे जीवन में समझ में आते हैं बुढ़ापे में। चल बुढ़ापे में समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए जिस भी समय। सीताराम 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 कहिए, सीता कहते हैं शांति को, राम कहते हैं ज्ञान को। हमारे जीवन में शांति और ज्ञान आ जाए ना, तो ये दुनिया बहुत अच्छी है। और जीवन में शांति और ज्ञान नहीं है तो जिंदगी बेकार। फिर सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहे। ये लाइफ की फार्मूला क्या कहता है, जिस भी प्रकार से अगर भगवान रख रहा है उसी प्रकार से रहें, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाएं, ज्यादा बुद्धि चलाने से टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। सीताराम 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 कहिए,
जही भी धीरा खेरा कही भी धीरे ही, जही भी धीरा खेरा कही भी धीरे ही। बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं ये हमारे की, हमारे लाइफ के लिए क्या कह रही हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम माना विश्राम। बड़े प्यार से सारे कार्यक्रमों को करें, कर्म झाड़ू लगाना हो बड़े प्यार से, खाना बनाना हो बड़े प्यार से, बिजनेस संभालना हो बड़े प्यार से, इसी को राम नाम कहते हैं। जिस कर्म में प्यार रहता है उसी को भगवान का भाव कहते हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करें। हम सोचते हैं धन हमारे साथ है, नहीं, प्रभु साथ है। धन का महत्व तब है जब भगवान साथ देता है, और भगवान साथ नहीं देता तो धन ऐसे पड़ा रह जाता है। पहले परमात्मा, पहले जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहले प्रभु आया, उसके बाद परिवार आया, उसके बाद संसार आया। संसार को हमने सब कुछ समझ लिया और बाकी सब छोड़ दिया, ये हमारा रॉन्ग प्रोसीजर है ये। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान। इस सारा विधान प्रभु का रचा हुआ है। हम सोचते हैं सोच करके हम कुछ चेंज कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, सोच करके चिंता बढ़ती है, चिंता, और चिंता का रिजल्ट क्या है? चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, नानक चिंता मत करो चिंता चिता समान। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, कितना बड़ा नुकसान है ये। अगर किसी चीज का टेंशन है तो तुम्हारा बहुत नुकसान है भाई। लड़के का टेंशन है, मकान का टेंशन है, घर बार का टेंशन है, बीमारी का टेंशन है, सबसे बड़ा नुकसान है ये। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, नानक चिंता मत करो चिंता चिता समान। कबीर, मैं क्यों चिंता करूं मम चिंते क्या हो, अरे मेरी चिंता हरि करे मुझे न चिंता को। बच्चे को समझाते हैं तो खाली बेटा पढ़ खा सो खेल, चार चीज समझाते हैं उसको, घर के बारे में, कपड़े के बारे में, सूट के बारे में, फीस के बारे में, कोई चिंता मत करना, केवल दुख खा सो पढ़ और खेल। हम भी भगवान के बच्चे हैं, यहाँ हम खाने आए हैं, सोने आए हैं, टहलने आए हैं, पढ़ने आए हैं और खेलने आए हैं, चिंता करने नहीं आए हैं। और चिंता अगर हम करेंगे तो भगवान कहेगा चुप, चिंता मत करो, टेंशन नहीं, अटेंशन। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। आज गुलाबों के फूलों के बीच में कार्यक्रम हो रहा है। इस सारे फूलों का राजा होता है गुलाब। ये गुलाब हमको बड़ा अच्छा लगा, हम सोचे सर इन लोगों के बीच में थोड़ा समय गुजारा जाए। ये भी 84 लाख योनियों में आते हैं गुलाब, ये पेड़, ये धरती, ये सड़क, केवल परिवार ही 84 में नहीं है, ये सारे लोग हैं 84 लाख योनियों में। कुछ समय सड़क के साथ गुजारा जाए, कुछ समय पेड़ों के साथ गुजारा जाए, अरे बाल बच्चे तो हमेशा हमारे साथ है ही हैं, कुछ समय पत्तों के साथ गुजारा जाए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। हमारी पर्सनल लाइफ से ये सूत्र हैं, बाकी जो हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर रहते हैं, प्रारब्ध के हिस्से रहते हैं। किस्मत में होगी मिलेगा, नहीं किस्मत में होगी नहीं मिलेगा, चाहे जितना उपाय कर डालें, लेकिन ये तो हमारी किस्मत में है ही है क्या? जही विधि राखे राम ताही विधि रही। दूसरा स्टंजा क्या कहता है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, फले आशा छोड़ अपने कर्मों का फल और दूसरे से आशा, ये छोड़ने के लिए बोला गया है। हमारे चिंताओं का कारण क्या है, दुखों का कारण क्या है, अपने कर्मों का अभिमान करते हैं, बेटा मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया और रिजल्ट में तुमने मेरे साथ क्या किया है, ताना मारते रहते हैं ना। तो कर्मों का फल और दूसरे से आशा ये तो छोड़ ही दीजिए। फल आशा छोड़ शुभ काम करते रही, फल आशा छोड़ शुभ काम करते रही, जही विधि राखे राम तही विधि रही। सितारा सितारा, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम एकदम चिंताओं से फिकर, जैसे कहता है यहाँ बैठिए, बैठ जाते हैं, ये खा लीजिए, खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर में बड़ी परेशानी रहती है। तो ऐसे ही अगर हम समझ लें हम प्रभु की सृष्टि में आए हैं तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी हमारी गुजर सकती है। भगवान ने यहाँ बिठाया बैठ गए, भगवान यहाँ लिटाया लेट गए, क्योंकि हमारा घर थोड़ा है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, फल आशा छोड़ शुभ काम करते रही। ये हाईएस्ट थिंकिंग है, इससे सुंदर विचार, इससे ऊंचे विचार दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। अगर हमको विचार करना ही है तो हाईएस्ट विचार करें ना। अमीर बनना है तो अमीरी का ऐसा अमीर बन जाए, हे प्रभु जैसे रख रहे हो हम एकदम संतुष्ट हैं, ऐसी अमीरी का मजा लो ना। क्या थोड़ा सा लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, थोड़ा जेवर इकट्ठा कर लिया, नाज नखरा दिखाते हैं, अरे उससे ज्यादा दुनिया में बहुत अमीर है। मकान बनवा के कोई अमीर नहीं होता, बहुत बड़े बड़े मकान दुनिया में चलते हैं। पैसा कमा करके कोई अमीर नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग अमीर हैं पैसे वाले। नई नई गाड़ी खरीद करके कोई अमीर नहीं होता, अच्छी अच्छी मॉडल की कारें चल रही हैं, रोज बदल रही हैं कंपनियों में। असली अमीरी तो प्रभु के सेवक होने में है, प्रभु के भक्त होने में है। भले आशा छोड़ शुभ काम करते रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम सीताराम, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। सबसे बड़ी अमीरी यही है। अगर पत्नी पति से कहते हैं स्वामी तुम्हारे हिसाब से चलूंगी जैसे चलाओ, अब ये सबसे बड़ा समर्पण है, ये सबसे बड़ा प्यार है, ये सबसे बड़ा दुलार है,
इसी से तो खुश रहेगा वो। परमात्मा को विश्वास दिला दे, हे प्रभु तुम्हारी रजा में हम राजी रहेंगे, जैसे भी चलाओ, तो भगवान को इससे बड़ी भक्ति और कहीं नहीं मिलेगी। पल्ले आशा छोड़ शुभ काम करते रही, जही विधि राखे राम तही विधि रही। सीताराम 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 कही, जही विधि राखे राम तही विधि रही। और हिदायत दिया गया है, चेतावनी दिया गया है, जैसे भगवान ने सब कुछ दिया है, अगर एक भी चीज अपना माना तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होगा। जिसका दिया है उसका नाम लिया जाता है, जैसे किसी का अन्न खाए तो उसकी दोहाई गाना चाहिए ना, उसके पत्तल में छेद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर प्रभु की सृष्टि में हम खा पी रहे हैं, पल पोस रहे हैं, उसका नाम लेना चाहिए। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, नहीं सबसे बड़ी तकलीफ उसको होती है। पति की कमाई खाए और उसको गरियाए पत्नी, पति को अच्छा नहीं लगता है। बताओ ये कैसी पुअड़ है, ये हमारी कमाई खाती, हमसे लड़ती है, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे परमात्मा का दिया हुआ हम खाएं और परमात्मा का स्मरण भी न करें, वाह वाह भी न करें, धन्यवाद भी न दें, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, हिदायत है, इसका परिणाम क्या होगा? बहुत अच्छी पंक्ति है, किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। अभिमान नहीं करना, मन अपना नहीं समझना, अगर अपना समझे तो डंडा मारता है वो परमात्मा, हॉस्पिटलाइज कर देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, मार देता है, अगर अभिमान करते हैं किसी चीज का। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही, कल्याण इसी में है। हर चीज का धन्यवाद देते चले, उठने का, बैठने का, बोलने का, खाने का, पीने का, सोने का, वाह प्रभु वाह, चला रहे हो वाह प्रभु वाह, खिला रहे हो वाह प्रभु वाह, सुला रहे हो वाह प्रभु वाह, उठा रहे हो वाह भगवान वाह, वाह वाह करेंगे परिस्थितियां हवा हवा हो जाएंगी, और हाय हाय करेंगे परिस्थितियां यहाँ यहाँ हो जाएंगी। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम सीता, बचपन में सुना था, बड़ा प्यारा लगा था, अर्थ इसका आप पता चला। सीताराम 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 कहे, जैसे जिंदगी का सार जब हम बुढ़ापे में आते हैं ना, तो जिंदगी का पश्चाताप होता है। जिसको हमने अपना समझा वो तो धोखा दे गया, बाल बच्चे संसार कोई अपना होता नहीं, ये पता चलता है मरते समय, जीते समय पता नहीं चलता। और जीते समय अगर मालूम हो जाए तो अपनी जिंदगी हम सार्थक कर लें। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही,
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाही विधि राखे। बड़ा राज है इसमें, जिस भी प्रकार से, क्योंकि शर्तों से हम जिंदगी नहीं जी सकते। पत्नी शर्तों से ससुराल में नहीं रह सकती, अनकंडीशनल रहना पड़ता है। कभी ऐसा तो कभी वैसा, तो कभी जैसा तो कभी कैसा। वो कहे हमको 56 भोग ही खिलाइए तभी रहेंगे, नहीं हम भाग जाएंगे, तो कहेगा नहीं भाई ऐसा नहीं बोला करो। हम भगवान से कोई भी मनोती नहीं कर सकते, भगवान से कोई प्रार्थना ऐसी डिमांड नहीं कर सकते, भगवान मेरे साथ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। भगवान कहेगा नहीं भाई हमारे साथ डिमांड नहीं किया करो। प्रे नॉट बट प्रेज गॉड, हमारी केवल प्रशंसा करो, डिमांड नहीं किया करो। और हमारा मन कहता है भगवान से भी मांगे, भगवान से भी मांगे। संसार से मांग के देख लिया, अब जरा भगवान से भी मांगे। भगवान से भी न मांगो, संसार से भी न मांगो। किसी से मांगा नहीं जाता है, राजा होके रहा जाता है। यू आर द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के राजा। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एक आशा राम जी से, बाहर के हम आशे किए, सबसे आशा किया, आशा निराशा में बदल गई। भीतर से परमात्मा का आशा करो ना, देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, अपने आप देखेगा, बोलेगा, करेगा। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग बैठ बैठ अंग अंग रंगी, हे रोम रोम में बसने वाले राम। बच्चे को पढ़ाते हैं ना प्रेयर में, ये जितने स्कूल है प्रेयर में यही सिखाते हैं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। लेकिन जब बड़े जवान होते हैं बच्चे, तो फिर सब भूल जाते हैं। रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है, याद रखे रहना चाहिए ना। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग बैठ बैठ राम रंग रंगिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहे। असली चीज और अर्जेंट वाली चीज, क्योंकि हमारे स्वभाव उस प्रकार के नहीं है ना, हमारी रुचि जिस प्रकार की होती है वही पसंद करते हैं। जैसे ठेले वाले हैं बेचारे, दिन भर सेब संतरा फल का ठेला लगाते हैं और बेचारे कोई खरीदने वाले कम मिलते हैं। फुल्की वाला है, बर्गर वाला है, चाउमीन वाला है, शाम को लगाता है और वहां भीड़ लगी रहती है। जबकि फुल्की से परेशानी होती है, बीमारी होती है, लेकिन अब रुचि है सबकी अलग अलग है। तो ऐसे हमारे मन की रुचि जहां होती है हम वही पसंद करते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य वर्धक वाली चीज की रुचि बढ़ाए ना, प्रेय मार्ग नहीं श्रेय मार्ग अपनाएं, दक्षिणायन नहीं उत्तरायण अपनाएं। वही दवा खाएं जो हमारी मुफीद हो, फायदा करे, वो दवा नहीं खानी चाहिए जो नुकसान करे। मीठी करे अच्छी लगे पर नुकसान करे तो दवा नहीं खाना चाहिए ना। ऐसे ही जो वचन अच्छे लगे, जो जीवन में अच्छाई का मार्ग, वही अपनाएं। और जिनसे टेंशन बढ़े, चिंता बढ़े, फिक्र बढ़े, उलझन बढ़े, जिम्मेदारी बढ़े, ऐसा भाव वो छोड़ देना चाहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधो संग बैठ बैठ अंग अंग रंगे, हमारा अंग अंग रंगना है प्रभु के
कलर में, एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग, जैसा साथ करेंगे वैसे हमारे हाथ में आएगा। साधु संग, साधु माने जिनके जीवन में साधुता है। कपड़ा रंगाने वाले को साधु नहीं कहते, तिलक लगाने वाले को मात्र साधु नहीं कहते, केवल तिलक लगाने से साधु नहीं होता, पीला वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं होता। साधु का मतलब है जिसकी जीवन साधुता से भरी हो उसको साधु कहते हैं, जिसकी जीवन साधना से भरी हो उसको साधु कहते हैं ना। तो साधु होना, साधना, ये जीवन हमारा साधना के लिए बना हुआ है। सबसे मीठा बोलें, सबसे प्रेम भाव से रहें, सबसे दोस्ती का भाव रखें, मित्रता का भाव रखें, मैत्री का भाव रखें, मैत्री करुणा मुदिता, हमेशा प्रसन्न रहें तो बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, बीबी भी प्रसन्न रहेगी। हमेशा मुंह 12 बजा रहता है तो कोई खुश नहीं होता घर में ना, इसलिए खुश रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, इसको रंगना कहते हैं, रंगना। साधु संग बैठ बैठ अंग अंग रंगे, हमारी जिंदगी में ये बाहर की चीजें आराम नहीं दे सकती, थोड़े समय का विश्राम भले मिल सकता है लेकिन परमानेंट आराम नहीं मिल सकता है। परमानेंट आराम तब मिलेगा जब हमारे विचार परमानेंट आराम वाले हो जाएंगे, हमारा जीवन परमानेंट थिंकिंग, अच्छे थिंकिंग वाला हो जाएगा, तब हम जहां भी रहेंगे मस्त रहेंगे, मगन रहेंगे, नहीं नहीं थोड़ा सा खा करके थोड़ा पहन करके क्षणिक आनंद आता है, क्षणिक सुख मिलता है, और जब अकेले में लेटते हैं ना तो सारी चिंता फिकर आ जाती है। साधु संग बैठ बैठ राम रंग रंगे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। एक गीत छोटा सा बड़ा प्यारा है, परमात्मा ने क्या क्या दिया है, चमत्कार किया है, उसी की तरफ गीत की लाइनें हैं, इसलिए वाह वाह करते चलें। इस पार्क में पेड़ बहुत ज्यादा हैं और पेड़ों पर पत्तियां बहुत ज्यादा हैं, तो पहली स्टंजा पहली लाइन पत्तियों पे है, कैसे दिया है परमात्मा ने। वाह 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 तेरी कारीगरी भगवान, 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 वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। पांच कारीगरी पे ध्यान है, क्या कारीगरी किया है, पत्ते पत्ते में कतरन न्यारी, पत्ते पत्ते में कतरन न्यारी डिजाइनिंग किया है। कोई भी पौधों का पत्ता देखें, पेड़ का पत्ता देखें, कितनी सुंदर डिजाइनिंग किया है, और खास बात है बिना कैंची के किया है, कैंची के, कोई भी दर्जी बिना कैंची के डिजाइनिंग काट नहीं सकता कपड़ा, साधन चाहिए साधन, और परमात्मा के लिए साधन की जरूरत नहीं है। पत्ते पत्ते में कतरन न्यारी, तेरे हाथ में कैंची कहीं नहीं, तेरे हाथ में कैंची कहीं नहीं, इसलिए हे प्रभु। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। दूसरी कारीगरी क्या है, भोजन देते जीव जंतु को, थोड़ा सा रसोई में भगवान की शक्ति से हमने खाना क्या बना लिया, कितना सबको एहसास कराते हैं, हम न बनाए तो तुम लोग न पाओ, हम न बनाए तो तुम लोग खाने को न पाओ, थोड़ा सा भगवान की ताकत से कमा लिया, कमाई कर लिया, और घर में क्या बोलते हैं, हम न कमाए तो तुम लोग न खाओ पाओ, हम लोग न कमाए तो तुम लोग न, जैसे मन के विपरीत होता है ना, दोनों अभिमान है अभिमान। अरे कमाना भी भगवान की शक्ति से है तो खाना बनाना भी भगवान की शक्ति से है, सब भगवान की शक्ति से हो रहा है।
चींटी को कण भर देता है खाने को, हाथी को मण भर देता है, सारी सृष्टि में कौन खिलाता है? हम नहीं खिला सकते, भगवान खिलाता है। कैसे? भोजन देते जीव जंतु को। पक्षियां कितने प्यार से उड़ रहे हैं, ना कपड़ा है, ना लत्ता है, ना सैंडल है, ना जूता है, ना चप्पल है, ना घर है, ना द्वार है, ना शादी है, ना विवाह है। पक्षियों का उड़ना जरा देखिए, कितना प्यार से उड़ते रहते हैं, जैसे लगता है कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। और पशु कितने प्यार से खाते रहते हैं, जैसे लगता है कोई गम नहीं। और हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, ऐसे लगता है जैसे सारा गम अपने पास है, सारा गम। कितने हम गमगीन रहते हैं। भोजन देते जीव जंतु को, भोजन देते जीव जंतु को, लगे भंडारे कहीं नहीं, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। इसलिए हे प्रभु, वाह 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 वाह, खाली अपने बच्चों को ही न देखें, पूरी सृष्टि को देखें। पशु है, पक्षी है, चींटी है, चींटा है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, आप सारी सृष्टि में एक सृष्टि के अंग हो। पूरा परिवार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। भोजन देते जीव जंतु को, लगे भंडारे कहीं नहीं, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। वाह 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 तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। और तीसरी कारीगरी, शीतल मंद सुगंध पवन है। पार्क में कैसी हवा बह रही है, हल्की हल्की ठंडी और मंद, माना धीमे धीमे और सुगंधित हवा। पार्क में कैसी हवा बह रही है, तीन प्रकार की हवा होती है। शीतल मंद सुगंध पवन है, शीतल किसकी बदौलत, भगवान की बदौलत। शीतल मंद सुगंध पवन, तेरे लगे हैं पंखे कहीं नहीं, तेरे लगे हैं पंखे कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। बिना पंखे के हवा चला रहा पार्क में, हम लोग गर्मी में पंखा चलाते हैं, कितना गर्म करता है। और परमात्मा जब पंखा चलाता है बिना पंखे वाला, तो कितना 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 ठंडाई करता है। शीतल मंद सुगंध पवन है, गर्व किया जाता है, गर्व। भगवान की बनाई हुई चीजों पे अभिमान करें, वाह प्रभु इतनी सुंदर गुलाब बनाया, इतना सुंदर पेड़ बनाया, इतना सुंदर ये चीज बनाया, इतना सुंदर आकाश बनाया। शीतल मंद सुगंध पवन है, जबकि हमारे हमारे हाथ में एक तिनका बनाने की जरूरत नहीं है। जिस घास पे बैठे हैं, एक घास हम नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अभिमान इतना जबरदस्त है कि हम क्या नहीं कर सकते, नहीं नहीं, हम परमात्मा की सृष्टि में कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा जब भाव आता है तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है, अभिमान गल जाता है। न किसी को धन का प्रॉब्लम है, ना परिवार का, ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम है सबको, अहंकार का प्रॉब्लम है। मैं शीतल मंद सुगंध पवन है, शीतल मंद सुगंध पवन, तेरे लगे हैं पंखे कहीं नहीं, तेरे लगे हैं पंखे कहीं नहीं। वाह 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 वाह, खुश होने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दुखी होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तो कुछ नहीं लाए थे। दुखी, गमगीन, परेशान, चिंता, फिकर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और जिंदगी में हमने इसको उलट दिया। ये मेरा नेचर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा जीवन सहज सुख राशि होना चाहिए था, और हम सब सहज दुख राशि हो गए। क्या हो गए? ये तकलीफ है, ये परेशानी है, ये चिंता है, खाते खाते गुस्सा करते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके नाराज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे घर में रहते हैं टेंशन में रहते हैं,
अच्छे घर की खुशहाली नहीं करते क्या? ये हमारे थिंकिंग का गड़बड़ी है, सोच की वजह से ऐसा हो रहा है। हमने उसको पलट दिया। परमात्मा ने दुख सागर नहीं बनाया, सुख सागर बनाया। जैसे कॉलेज में पढ़ाई होती है, इम्तहान भी जरूरी होता है, और बिना इम्तहान के अगला क्लास नहीं मिल सकता है। ऐसे परमात्मा टेस्टिंग लेता है आगे बढ़ाने के लिए। हम सोचते हैं कि हमारा एक्सीडेंट कर दिया, गलत बात है। हम सोचते हैं हमको हॉस्पिटलाइज कर दिया, गलत बात है। हमारा इम्तहान ले रहा है और उसमें हम पास होके दिखा दें, वाह प्रभु जितना भी टेस्ट लोगे हम पास हो जाएंगे। क्राइस्ट ने कहा दाई विल बी डन, ओ माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु करो अपनी मर्जी पूरी। दाई विल बी डन ओ माय लॉर्ड, नॉट माय विल, मेरी मर्जी कभी पूरी नहीं करना, करो अपनी मर्जी पूरी। क्रूसीफाई कर दिया तब बोले हो क्राइस्ट। तो परमात्मा की मर्जी अगर टेस्ट लेने की है, दुख देना माना टेस्ट लेना हमको आगे बढ़ाने के लिए। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ये विचार करना था, हमने उल्टा विचार कर लिया कि भगवान भगवान भी गजब कर दिया मेरे साथ। ऐसा कर्म तो दुश्मन के साथ भी नहीं करो, हमारे साथ बड़ा गजब हो गया। गजब नहीं हो गया, टेस्ट चल रहा है। टेस्ट त्रैमासिक और खटवार्षिक और ईयरली टेस्ट होता है ना, इम्तहान, तो पास हो जाते हैं अगले कक्षा के लिए। ऐसे हमारी जिंदगी में परमात्मा टेस्ट लेता है। शीतल मंद सुगंध पवन है, शीतल मंद सुगंध पवन, तेरे लगे हैं पंखे कहीं नहीं, तेरे लगे हैं पंखे कहीं नहीं, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। और चौथी कारीगरी में क्या है? न्याय की कुर्सी पर तू बैठा। कोई जज न्याय करता है, उसका कोर्ट होता है। ये फलाने मुंसफ है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, उनकी अदालत होती है ना। और परमात्मा की अदालत कहीं फिक्सिंग है? कहीं नहीं फिक्स है। न्याय गजब का करता है। इम्पार्शल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। भगवान जो न्याय हमारे साथ करता है वो बिना किसी पक्षपात के करता है, और उसका कोई अदालत दिखता नहीं है। सात कोठरी के अंदर अगर हम कर्म करेंगे, अच्छा अथवा बुरा, उसका फल जरूर देता है वो। कैसे? न्याय की कुर्सी पर तू बैठा, न्याय की कुर्सी पर तू बैठा, लगी कचहरी कहीं नहीं, तेरी लगी दीवानी कहीं नहीं। बिना अदालत में बैठे दुनियावी जज न्याय नहीं कर सकते, सड़क चलते न्याय नहीं कर सकते भैया, लेकिन परमात्मा सड़क चलते न्याय करता रहता है। न्याय की कुर्सी पर तू बैठा, इसलिए रिक्शेवान से लेकर के राष्ट्रपति तक सब भगवान को शीश झुकाते हैं, भगवान के आगे, चाहे रीज बजे चाहे कीज बजे। अगर रीज नहीं बजेंगे तो डंडा लगाएगा तब तो बजेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करेगा तब तो याद करेंगे जरूर। चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, दोनों स्मरण करते रहते हैं प्रभु का। न्याय की कुर्सी पर तू बैठा, लगी कचहरी कहीं नहीं, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, इसलिए हे प्रभु, वाह 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 वाह। लड़का डॉक्टर हो जाता है, कहते हैं वाह वाह बेटा वाह वाह। अरे डॉक्टरी किसने उसको करवाया? प्रभु ने करवाया। लड़का कैसे डॉक्टरी पास हो सकता है? हम भगवान को वाह वाह करें, वाह वाह प्रभु हमारे बेटे को डॉक्टर बना दिया, वाह वाह भगवान हमारे बेटे को इंजीनियर बना दिया। भगवान को भूल जाते हैं, बेटे की वाह वाह करते, अच्छा नहीं लगता है। जिसने करवाया उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिटर है वो, क्रेडिटर, परमात्मा क्रेडिटर है और हम डेबिटर हैं। बैंक में दो चीज चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट, जमा भुगतान। पैसा जब जमा करते हैं तो हमारे खाते में क्रेडिट होता है, और पैसा जब निकालते हैं तो हमारे खाते से डेबिट होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो परमात्मा जो हमारे साथ कर रहा है उसको क्रेडिट देते चले, क्रेडिट माना उसको श्रेय देते चले। और जो भगवान से ले रहे हैं
उसका हम डेबिट हैं, हम डेबिट उससे ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, शरीर ठीक चल रहा है, ये हवाएं ले रहे हैं, आकाश आकाश में रह रहे हैं, धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, तो हम डेबिट हो गए, वो क्रेडिट, हम अपने को क्या किए, क्रेडिटर बन गए, क्रेडिटर। हम ना चले तो फिर चले ना, हम ना कमाए तो सब मर जाए भूखों, हम ना ये करें, ये हम क्या होता है, हम बहुत तकलीफ देता है, ये मिथ्या अभिमान इसको कहते हैं। तो परमात्मा की क्रेडिट को अपने में ना शामिल करिए, गलत बात है ये। पैसा जमा ना करें और भुगतान के लिए बैंक मैनेजर से लड़ाई करें, 1 लाख हमारा दे दीजिए, वो कहेगा आपका जमा नहीं है, कैसे दे दें, बोला देंगे नहीं तो हम पुलिस वाले को बुला लेंगे, हम झगड़ा करके ले लेंगे, मैनेजर देगा नहीं देगा, जो हमारी किस्मत में नहीं है उसको भगवान जल चढ़ाने से नहीं देगा, फूल चढ़ाने से कभी नहीं देगा, क्योंकि हमारी प्रारब्ध में नहीं है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ाओ ऐसा का, पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्ध की पूंजी अगर हमने जमा नहीं किया है तो हमको भगवान कभी नहीं देगा, सिफारिश वहां नहीं चलती है, न्याय चलता है। न्याय की कुर्सी पर तू बैठा, लगी कचहरी कहीं नहीं, तेरी लगी दीवानी कहीं नहीं, इसलिए हे प्रभु, वाह वाह, उसको क्रेडिट देते चले, बुद्धिमानी यही है, नहीं लास्ट में ऐसा लात लगाएगा ना। बचपन में कहते हैं माता पिता सत्य है, बचपन में बोला गया माता पिता सत्य है, जवानी में बताया गया धन धाम सत्य है, और जब पिंजरे से पंछी उड़ गया, शरीर चला गया, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य कब बोला गया, लास्ट में, जब हम सुनने लायक नहीं रहे, और जब सुनने तो बचपन में बोलना चाहिए था ना कि बेटा राम नाम सत्य है, जवानी में और ताकत से बोलना चाहिए था कि बेटा राम नाम सत्य करो, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जवानी में और तेज से कहना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए, अब बुढ़ापे में कहना चाहिए, बेटा अब हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, अब तुम्हारे भैया हैं, बुढ़ापे में ये होना चाहिए। हमने क्या किया, बचपन में उसको बताया कि मम्मी पापा हम है बेटा, मम्मी पापा सत्य हैं, वही बच्चा रट लिया, गलत रटा है ना। और जवानी में बताया गया कमाओ धन धाम सत्य है, धन धाम, उसी में दिमाग खुद सब सारा दिमाग खर्चा कर दिया, टेंशन हो गया, धन धाम सत्य है, उधर भरे सही धर्म सिखाओ, मात पिता बालकन बोलाओ, उधर भरे सोई धर्म सिखावे, कोई धर्म है क्या, धर्म तो प्रभु के से प्रभु का सुमरण होता है ना। राम नाम सत्य पहले से ही कर लेना चाहिए, ये कंपलसरी क्वेश्चन का हल पहले से कर लेना चाहिए। न्याय की कुर्सी पर तू बैठा, लगी कचहरी कहीं नहीं, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। और पांचवी कारीगरी हम लोगों के साथ में चल रहा है, क्या है, हम सबको है बनाया तूने, माँ को क्या पता कहाँ बन रहा है बच्चे का आंख, कहाँ बन रहा है पैर, कहाँ बन रहा है, वो तो बेचारी अपना काम कर रही है। जब लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, तो कोई कह देता है तेरे बिटिया भाई तोरे बेटवा भा, तब उसको पता चलता है, तब वो मोहर लगाती है, मोहर डाक खाने की, मोहर चिट्ठी किसी और की, मोहर डाक खाने की लग रही है। तो ऐसे ही परमात्मा का दिया हुआ बेटा हम मोहर लगा देते हैं अपनी, मैंने पैदा किया ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पागल है पागल। अरे गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन, परमात्मा ने पैदा किया, नस बनाया, नाड़ी बनाया, किडनी बनाया, वाल बनाया, सांस बनाया, सांस दिया, ये जीवन दिया, मुंह बनाया, कान बनाया। अभी अगर फैक्ट्री में, माँ की फैक्ट्री में बेटा हो, लड़के की हड्डी टूट जाए तो उसकी फैक्ट्री में पार्ट्स भी तो मिलने चाहिए, पार्ट्स वार्ट्स नहीं, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब लड़कों का हथवा टूट गया, तनी अब जोड़ दा, उसकी फैक्ट्री में है नहीं पार्ट्स, जिसकी फैक्ट्री में पार्ट्स नहीं तो उसने वो सामान भी नहीं बनाया। कार बनाती है फैक्ट्री, कंपनी तो कार के पार्ट्स भी देती है,
बाइक बनाती है फैक्ट्री, तो बाइक के पार्ट्स भी देती है। माँ कहती है मेरा बेटा, लेकिन उसकी फैक्ट्री में पार्ट्स वार्ट्स नहीं है, तो उसका बेटा भी नहीं है, वो भगवान का बेटा। आई एम सन ऑफ गॉड, वी आर ऑल सन्स ऑफ वन फादर, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। वो गलत पढ़ाया गया कि ये भगवान, ये हमारे बच्चे हैं, नहीं नहीं, भगवान के बच्चे। हम सबको है बनाया तूने, हम सबको है बनाया तूने, छेनी हथौड़ी कहीं नहीं, तेरी छेनी हथौड़ी कहीं। उसको साधन की जरूरत नहीं पड़ती परमात्मा को। ये गुलाब के फूल हैं, गुलाब के कांटे हैं, गुलाब के पौधे हैं, अलग से उसको कुछ जरूरत नहीं है, ये बीज से अपने आप निकलते रहते हैं। ऐसी सिस्टम है पर प्रभु का, भगवान का।